मौसमी बीमारियों की चपेट में आए लोग, जेलेन अस्पताल में लगी मरीजों की लाइन, कई तरह की बीमारियों से बना हुआ है खतरा। मौसमी बीमारियों की चपेट में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं अस्पतालों के आउटडोर में। ऐसी बीमारियों की चपेट में आए लोगों की लंबी लाइनें लग रही है। जेलेन अस्पताल में स्वतंत्रता दिवस के बाद बुधवार को बड़ी संख्या में मौसमी बीमारियों की चपेट में आए लोग इलाज के लिए पहुंचे। इनमें बुखार, शरीर दुखन और कमजोरी महसूस होना जैसी शिकायतें प्रमुख रही। चिकित्सक आम दिनों की अपेक्षा बहुत व्यस्त रहे। अस्पताल में सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। ये बीमारियाँ ज़्यादातर चल रही है, इसके रोकथाम के लिए अपने को एक तो जैसे कूलर के अंदर आजकल हवा थोड़ी सी ठंडी हवा से बचना चाहिए, फिर पंखों में रहना चाहिए और इसके लिए साफ़ सफाई रखनी चाहिए अपने को, जैसे मच्छरों से बच के रहना चाहिए। और आजकल मेनली अब डेंगू मलेरिया में बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, डेंगू मलेरिया के जैसे एवरेज पेशेंट आ जाते हैं 5-6 ओपीडी में। और स्वाइन फ्लू संबंधी बीमारियाँ बोल जाते हैं, डेली स्क्रीन यहाँ से तो ओपीडी बेस पे हम 150-200 पेशेंटों की स्क्रीनिंग करते हैं डेली, जिसमें ए बी सी कैटेगरी के अंदर रखते हैं पेशेंटों को। और उनको मेनली तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की बीमारी है। घर में कैसे बचाव हो सकता है? घर में बचाव तो पानी अपने को उबाल के पीना चाहिए, पानी या तो छान के या कोई डायरेक्ट पानी नहीं पीना चाहिए, इसके लिए। ठीक सर, आपका नाम? राजेश यादव, प्रेजेंट डॉक्टर।